जी बेटा, आज हमने पढ़ना है जी बर्नौली इक्वेशन के बारे में। व्हाट इज बर्नौली इक्वेशन, और उसके साथ हमने पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशंस। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस के बारे में आज हमने पढ़ना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी बर्नौली इक्वेशन क्या है। डेफिनेटली जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट पढ़ी थी, इसी तरह बर्नौली इक्वेशन की भी स्टेटमेंट है हमारे पास। बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमेशा आइडियल फ्लूइड के लिए हमने ड्राइव की हुई है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि बर्नौली इक्वेशन में भी जो फ्लूइड है वो भी आइडियल है, और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसमें भी जो फ्लूइड है वो भी आइडियल है। फर्स्ट लाइन में यहाँ पर इस बात की वजाहत भी की हुई है, बर्नौली इक्वेशन स्टेट दैट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, ये तीनों कंडीशन जो हैं ये आइडियल फ्लूइड की हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन स्टेट फॉर एन आइडियल फ्लूइड दैट द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मीन जहाँ पर मास होगा वहाँ पर डेंसिटी यूज़ करेंगे। मास पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास डेंसिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी में मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी में चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ भी मास जो है वो काइनेटिक डेंसिटी में कन्वर्ट होगा, इज कॉन्स्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द पाथ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बर्नौली थ्योरम। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, हमने कल जो प्रिंसिपल पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, वो बेसिकली कॉन्सिक्वेंस था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, लेकिन जो बर्नौली इक्वेशन है ये कॉन्सिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, अब हमारे पास एक पाइप है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, जिसका ऊपर अपर एंड जो है उसका एरिया ज़्यादा है और लोअर एंड जो है उसका एरिया क्या है कम है। यानी जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ कम है, और ये हाइट एच वन और एच टू के ऊपर पड़ा हुआ है। हाइट की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आप पाइप को ग्राउंड के साथ रखेंगे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है ये इसमें से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो हाइट है वो ज़ीरो होने की वजह से पी जी रो जी एच जो होगा एच ज़ीरो होने की वजह से ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास पी प्लस हाफ पी वी रो वी स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हमने हाइट का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि जो हमारे पास ए वन एरिया है वो एच वन हाइट के ऊपर है और जो ए टू है वो हमारे पास एच टू हाइट के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो फ्लूइड इसमें से फ्लो करेगा उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी जो फ्लूइड इस तरफ है उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर प्रेशर, और ये फ्लूइड भी इसी तरह मूव कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन जो इस वक्त यहाँ पर प्रेशर लगेगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जब हम इनके दरमियान एंगल को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होगा वो ज़ीरो होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा वो 180 होगा। ठीक है, तो इस बात को पहले ही समझ लेना ज़्यादा अच्छा है ताकि हमारे लिए आसानी हो। एट अपर एंड जो है वो हमारे पास कंसीडर द फ्लो फ्लूइड इन अ पाइप इन टाइम इंटरवल टी। हमने ये इस बात जहन में रखनी है कि जितने टाइम के लिए यहाँ पर हमने मोशन डिस्कस करनी उतने ही टाइम के लिए यहाँ मोशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टी टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट कम होगा क्योंकि हमारे पास जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज़्यादा है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम है, उसकी वजह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, लेट एफ वन इज़ द फोर्स, पी वन इज़ द प्रेशर एंड ए वन इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अपर एंड ऑफ द पाइप, देन प्रेशर विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर को एफ वन डिवाइड बाई ए वन, एफ वन आपके पास पी वन ए वन आ जाएगा। अब हम नाउ द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट, यानी कि यहाँ पर जो फ्लूइड होगा उसके पीछे से जो हम उसको वर्क डन फ्राम कर रहे हैं वो क्या होगा, वो हमारे पास इज इक्वल टू एफ वन डेल्टा एक्स वन। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रेशर की डायरेक्शन जो है वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो होगा वो ज़ीरो होगा, तो कोस ज़ीरो जो होता है वो आपको पता है वन के बराबर है। तो आपके पास एफ वन डेल्टा एक्स वन, इसका आंसर वन आ गया, एफ वन की वैल्यू पुट कर दी पी वन ए वन इंटू डेल्टा एक्स वन। अब हम लोअर एंड की बात करते हैं जी। एट लोअर एंड ऑफ द पाइप हमारे पास जो वर्क डन होगा फिर से सेम होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया एंगल आपके पास 180 होगा, 180 की वजह से यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस पी टू ए टू इंटू डेल्टा एक्स टू। ठीक है,
और इस बात की वजाहत भी की हुई है कि नेगेटिव बिकॉज द वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फ्लूड फोर्स, यानी कि फ्लूड फोर्स जो होगी वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होगी लेकिन प्रेशर इसके ऑपोजिट होने की वजह से नेगेटिव साइन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टोटल वर्क डन होगा वो डेफिनेटली दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों को सम करेंगे हमारे पास W1 की कीमत पॉजिटिव थी, पॉजिटिव फैक्टर के साथ आई, और W2 कीमत नेगेटिव है तो नेगेटिव फैक्टर के साथ आ जाएगी। अब V1 वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड एट द अपर एंड एंड V2 इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड एट लोअर एंड है। यहाँ पर लेट्स सपोज हम इन वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वेलोसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, एज इक्वल टू Vt। हमारे पास जो V है वहाँ पर V1 है और S हमारे पास डेल्टा X1 है, और टाइम क्योंकि हमने कहा हुआ है सेम रखा हुआ है तो टाइम सेम है, ठीक है। तो डेल्टा X1 की जगह पर हम V1t और डेल्टा X2 की जगह पर V2t पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है इस शेप में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास A1 V1 into t और यहाँ से A2 V2 into t इसको अलग कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, मतलब डिफरेंट शेप में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो लिखी जाती है, उसमें एक ये भी थी ए वन वी वन टी इज इक्वल टू वी, या इसको दूसरे तरीके से भी आप फाइंड करें बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर वॉल्यूम के बराबर होता है। आप इन दोनों की जगह पर वी पुट कर देंगे, वी पुट करने से आपके पास क्या होगा, दोनों में से वी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा पी वन माइनस पी टू। अब वॉल्यूम जो होता है इसको मालूम करने के लिए आप डेंसिटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है फाइनल जो कि बर्नौली इक्वेशन है उसमें हमारे पास डेंसिटी है, तो हम वॉल्यूम को डेंसिटी से रिप्लेस करने के लिए डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वी डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, अगर रो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वी की जगह पर आप एम बाय रो यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो वर्क डन होता है हमेशा याद रखें वो चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब भी आप एक फ्लूड को फ्लो करवाते हैं हाइट की वजह से उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जैसे जैसे ग्राउंड की तरह मूव करता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वर्क डन होता है वो हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर और माइनस हाफ एम वी वन का स्केयर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेंगे और यहाँ पर भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की जगह पर आप ये मतलब ये W की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। अब ये देखें इसमें भी M है, इसमें भी M है, इसमें भी M है और इसमें भी है, सम में से M कॉमन कर लेंगे, इस तरह भी M है, M M से क्या हो जाएगा कैंसिल। आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं M मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड होगा, M M से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वन का फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा। अब हमारे पास ये जो रो इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो सब के साथ रो आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, जो वन वाले हैं उनको एक साइड पे ले जाएं, जो टू वाले हैं उनको एक साइड पे ले जाएं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो अपर एंड था वहाँ पर ये वाला फैक्टर जो है ये बराबर है लोअर एंड के फैक्टर से, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो जनरली आप कह सकते हैं प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दिस इज नोन एज बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन है वो है जी टोरिसेलीज थ्योरम। टोरिसेलीज थ्योरम जो होता है वो ऐसे जो हमारे पास शेप के बर्तन के लिए होता है जिसके अंदर ऊपर से हम उसको फ्लूड फ्राहम कर रहे हैं और नीचे से उसके में छोटे छोटे सुराख हैं जहाँ से उस फ्लूड को बाहर निकाला जा रहा है, तो उस फ्लूड के जहाँ से वो निकल रहे हैं वहाँ की हम वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं या स्पीड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम टोरिसेलीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास एक बर्तन है जिसकी हाइट हमारे पास h1 है और यहाँ पर नीचे ग्राउंड से हाइट जो है वो h1 है और यहाँ पर हमने एक छोटा सा जो है वो ऑरिफिस रखा हुआ है, सुराख रखा हुआ है जिसमें से वो लिक्विड बाहर आ रहा है, और इस तरफ भी रखा हुआ है, ये इसको जो हमारे पास लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए रखा हुआ है। हमारा ज़्यादातर कंसर्न इसी के साथ है, तो इसमें से जो हमारा लिक्विड जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी जो है, ठीक है, यहाँ से निकलने वाले सब्सटेंस को आप एफ्लक्स भी कहते हैं, जो आउटवर्ड मूव कर रहा हो कोई भी सब्सटेंस किसी भी बर्तन से कंटेनर से तो उसको एफ्लक्स कहते हैं।
उसके वेलोसिटी के साथ हमारा तल लगा है। ये जो सुराख है ये भी अर्थ से हाइट h2 पे है, तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस या हाइट होगी वो टोटल हाइट में से इसको निकाल लेंगे तो h1 माइनस h2 होगा। ठीक है, तो इसको स्टेट हम जो टोरिसेलिस थ्योरम की स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। द स्पीड ऑफ एफ्लेक्स मैंने आपको पहले बता दिया, एफ्लेक्स कहते हैं सब्सटेंस जो बाहर निकल रहा हो, इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर गोज द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी कि ये यहाँ पर स्पीड प्रोड्यूस हुई है वो जो हमारे पास लिक्विड या फ्लूइड है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो डाउन मोड मूव कर रहा था उसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। जितनी उसकी हाइट है वो हमने यहाँ पर एज इट इज ही लिख दी है। अब इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर हम कहेंगे सपोज अ लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड हैज़ टू स्मॉल ओरिफिसेस मीन सुराख, छोटे से जहाँ से ऊपर से हम कोई चीज़ डाल सकें और नीचे से वहाँ से निकाल दें। ये घरों के अंदर हमारे पास जो गंदम और चावल जो हैं उनको स्टोर करने के लिए इस तरह का कंटेनर हम यूज़ करते हैं। ऊपर से हम उसको भर देते हैं और फिर नीचे से हम उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकालते रहते हैं, लेकिन वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये लिक्विड या फ्लूइड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी ऑन इट सिंस द ऑरिफिसेस आर सो स्मॉल, क्योंकि ये सुराख बहुत छोटे हैं, द एफ्लेक्स स्पीड v2 एंड v3 विल बी मच लार्जर देन स्पीड v1। डेफिनेटली जो इनके ऊपर स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी इसकी स्पीड से ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ वाटर, सो वी विल टेक v1 अप्रॉक्सीमेटली 0। तो v1 को 0 लेंगे तो बर्नौली इक्वेशन में v1 0 पुट करने से आपके पास जो बर्नौली इक्वेशन की न्यू शेप होगी वो p1 प्लस रो gh1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 का स्केयर प्लस रो gh2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इनके इसके ऊपर जो आउटर सरफेस से प्रेशर लग रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरे कंटेनर के लिए सेम है। इस वजह से P1 को P2 इक्वल टू P पुट करेंगे तो P से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रो GH1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2। ये देखें रो दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर ले लेंगे, रो बाहर लेंगे तो रो रो से कैंसिल हो जाएगा, GH1 इज इक्वल टू हाफ V2 का स्केयर प्लस GH2। हमें इस वेलोसिटी के साथ कंसर्न है, हम इसको निकालना चाह रहे हैं, ये प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। V2 निकालने के लिए आप इसका अंडर रूट लेंगे तो V2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2g इनटू h1 माइनस h2। यही वो फैक्टर है जिसकी हमने स्टेटमेंट में भी जिक्र किया था। ठीक है, बेसिकली ये वो वेलोसिटी V1 है जो ऊपर से V2, क्योंकि हमने कहा हुआ है, आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझें, द स्पीड ऑफ एफ्लेक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी कि ये v2 जो होगा वो जो फ्लूइड वेलोसिटी गेन कर रहा है नीचे आने के लिए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसके बराबर होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये वही स्पीड है जो फ्लूइड ने अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गेन की हुई है। ठीक है, द लेवल ऑफ टैंक हैज़ मूव डाउनवर्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ द ऑरिफिस बी इज़ कंसीडर्ड देन काइनेटिक एनर्जी अलाउ द लिक्विड टू राइज द लेवल ऑफ वाटर टैंक। यहाँ पर देखें, अगर हम इसको भी अपनी एक्सप्लेनेशन में कंसीडर करें फिर डेफिनेटली हम एक टाइम में एक को डिस्कस करेंगे, तो वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर वो डाउनवर्ड जाने के बजाय इसको बैलेंस करेगा, यानी राइज करके उसके बराबर लाने की कोशिश करेगा। यहाँ से जैसे ही डाउनवर्ड होगा ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, यही वो बात कर रहा है। नेक्स्ट है जी इसकी एप्लीकेशन, वो है हमारे पास द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं कि हमारे पास रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर क्या होता है, यानी प्रेशर और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही होती है, तो ये हमने डिस्कस करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ग्राउंड के ऊपर एक पाइप को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर डिफरेंट शेप है उसकी, यानी कि एक जगह पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और दूसरी जगह पर कम है, यानी यूँ समझ लें हम इन दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा वेलोसिटी के इंक्रीज करने से प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सपोज दैट वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप सिस्टम एज शोन इन द फिगर, द वाटर उसकी डेंसिटी यहाँ पर दी हुई आपको पता है, विल फ्लो फास्टर एट पॉइंट बी देन ए आर सी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इस वजह से यहाँ से जो पानी गुजरेगा वो तेज़ी से गुजरेगा। ठीक है, जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो
अब यूँ समझ लें एक बाजार है, अगर तो वो खुला होगा तो उसमें ज़्यादा रश भी हमें कम महसूस होगा, लेकिन वही बाजार अगर तंग होगा तो वहाँ पर हमें रश ज़्यादा महसूस। अब जहाँ पर पानी के गुजरने के लिए अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और यहाँ पर कम है तो डेफिनेटली यहाँ से ज़्यादा स्पीड से गुजरेगा, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है वो यहाँ की वेलोसिटी से 10 गुना ज़्यादा है, यानी कि वी ए बराबर 0.2 है, यहाँ पर वेलोसिटी 0.2 मीटर फी सेकंड है और वी बी यहाँ पर जो है वो 2 मीटर फी सेकंड है। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एंड नोटिंग दैट एवरेज पोटेंशियल एनर्जी सेम, क्योंकि हमने इसको ग्राउंड पर रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर हम यहाँ से निकाल देंगे। एवरेज हाइट एट बोथ प्लेसेस ए एंड बी सेम है, इस वजह से हम वो पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर निकाल दिया। तो यहाँ से हमारे पास पी ए माइनस पी बी, ये प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का होगा, रो को एक तरफ करी वी बी का स्केयर माइनस वी ए का, आप रो की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, वी बी की जगह पर उसकी, वी ए की जगह पर उसकी, तो आपके पास 1980 न्यूटन पर मीटर जो स्केयर है वो हमारे पास वैल्यू आई है। ये माइनस का इसको उठाकर इधर लाएंगे तो प्लस का आ जाएगा। ये बात जाहिर कर रही है पी ए के ऊपर जो प्रेशर होगा, अगर यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा पी बी का, और अगर यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी कम है प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है जी। दिस शो दैट द प्रेशर इन नैरो पाइप इज़ मच स्मॉलर दैन इन द वाइडर पाइप। इससे हमने रिजल्ट क्या अखज किया, एज वी ए इज़ लेस देन इक्वल टू वी बी, यानी यहाँ पर अगर प्रेशर वेलोसिटी कम है और यहाँ पर ज़्यादा है तो पी ए इज़ मच ग्रेटर देन पी बी, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रेशर होगा वो यहाँ से ज़्यादा होगा, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जहाँ पर वेलोसिटी कम होगी वहाँ पर प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा। इसके एग्जाम्पल्स हमने जो इसकी एप्लीकेशन हैं वो हमने विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन के अंदर इस्तेमाल किया हुआ, क्या करते हैं द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर डिज़ाइन टू डिफ्लेक्ट द एयर, यानी कि जो हमारे पास विंग्स होते हैं एरोप्लेन के उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो उसको डिफ्लेक्ट करें। आपने देखा होगा उसकी शेप इस तरह की होती है थोड़ी सी कर्व, जब ये इसको डिफ्लेक्ट करेंगे तो जो हवा की वेव्स आ रही हैं ये ऊपर वाली साइड को नैरो कर देंगे और नीचे वाली साइड को क्या कर देंगी, खुला कर देंगे। ये बात जाहिर कर रही है यहाँ पर स्पीड ज़्यादा और यहाँ पर स्पीड क्या है कम है, यहाँ पर अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा और यहाँ पर अगर स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जिस तरह प्रेशर कम होता है हमेशा जो बॉडी है वो उस तरह मूव करेगी, इस वजह से जो हमारे पास एरोप्लेन होता है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। फिर से सुन लें, एरोप्लेन शेप इस तरह की होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर वेव्स हैं वो ऊपर वाली साइड पे कंप्रेस हो जाती हैं और वेलोसिटी बढ़ जाती है, और नीचे वाली साइड पे जो है वो वेलोसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी प्रेशर क्या होगा कम होगा, और जहाँ पर वेलोसिटी कम होगी प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है तो ये कम प्रेशर जिस तरफ होगा डेफिनेटली वो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। प्रेशर ऊपर की तरफ ज़्यादा लगेगा इसकी वैल्यू को, मतलब यहाँ पर कम प्रेशर है यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली जो हमारे पास एरोप्लेन होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक बॉल जो होती है जो हम किसी की तरफ फेंकते हैं, बेशक आप क्रिकेट बॉल ले लें या टेनिस बॉल ले लें, जब वो हिट करती है, जब वो हवा में मूव करती है तो किसी एक साइड के ऊपर जो होता है वो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। जिस साइड पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है उस साइड पर प्रेशर कम हो जाता है, और जिस साइड पर वेलोसिटी कम होती है उस साइड पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो उसको टर्न करती है, जिसकी वजह से स्विंग जो होती है ना हमारे पास जो बॉल होती है वो स्पिन होती है, स्पिन होने की वजह से वो क्या करती है डिफ्लेक्ट कर जाती है अपना वे, या ऊपर की तरफ कर लेती है या नीचे की तरफ मूव करती है, जैसा कि यहाँ पर हमने विंग्स ऑफ एरोप्लेन की बात की थी। तो वो जब ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगी तो सामने वाला जो खिलाड़ी है वो इसको समझ नहीं पाता, तो उसके लिए मुश्किल पेश आती हैं। यहाँ पर यही बात की हुई है एग्जाम्पल में, द विंग ऑफ एन एरोप्लेन आर डिज़ाइन टू डिफ्लेक्ट द एयर सो दैट द स्ट्रीम लाइन आर क्लोज टूगेदर अबव द विंग देन बिलो, द एयर इज ट्रेवलिंग फास्टर ऑन द अपर साइड ऑफ द विंग देन लोअर साइड अकॉर्डिंग टू द बर्नौली, वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हायर द प्रेशर विल बी लो, सो द प्रेशर विल बी लोअर एट द टॉप ऑफ द विंग एंड द विंग विल बी फोर्स्ड अपवर्ड। व्हेन ए टेनिस बॉल इज हिट बाय अ रॉकेट इन सच अ वे दैट इट स्पिन एज वेल एज मूव फॉरवर्ड, द वेलोसिटी ऑफ एन एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल इंक्रीज ड्यू टू स्पिन, सो द प्रेशर डिक्रीज एट दैट साइड, दिस गिव एन एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बॉल नोन एज स्विंग।
विच डिसीव एन ओपोनेंट प्लेयर, जो दूसरी तरफ आदमी खेल रहा है उसके लिए वो धोखे का सबब, यानी उसे लग रहा है बिल्कुल सीधी आएगी, वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर देती है। ठीक है, अब इसकी हमने लास्ट एप्लीकेशन जो है वो वेंचुरी रिलेशन, उसके बारे में पढ़ना है। वेंचुरी रिलेशन जो है वो भी हमें कोई ना कोई इक्वेशन देगी, उसको हम वेंचुरी रिलेशन कहेंगे, वो भी हमने बर्नौली इक्वेशन से ही निकालना है। बर्नौली इक्वेशन जो है मैंने आपको बताया, जब आपके पास हाइट सेम होगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक पाइप है बिल्कुल उसी तरह, जिसका एरिया जो है ए के ऊपर ए वन ज़्यादा है ए टू से, और वी वन कम है वी टू से। ठीक है, एरिया की वजह से। तो हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन होगी, क्योंकि हमने कहा हुआ ये पाइप जो है सेम हाइट पे पड़ा हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, इधर ला के नेगेटिव करेंगे, यहाँ दोनों में से रो कॉमन लिया, वी टू का स्केयर माइनस वी वन का स्केयर। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, तो यहाँ से आप वी वन निकालेंगे ए टू वी टू डिवाइड बाई ए वन। यहाँ पर आप क्लियरली दे सकते हैं ए टू बहुत छोटा है ए वन से, और अगर आप किसी ए टू की वैल्यू को ए वन से डिवाइड करेंगे तो वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। मज़ीद छोटा होने की वजह से वी वन बहुत ही कम हो जाएगा वी टू से, इस वजह से हम उसको निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास अगर वो निगलेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन में वी वन को ज़ीरो पुट कर देंगे, हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ए वन इज़ मच लार्जर देन ए टू, सो वी वन इज़ मच लेस देन वी टू, सो ए वन इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वी टू, सो इट इज़ निगलेक्टेड। हम इसको निगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर वी वन लिखा हुआ है इसको हम ज़ीरो पुट कर देंगे। ये ज़ीरो पुट करने की वजह से क्या होगा, हमारे पास ये जो इक्वेशन होगी पी वन माइनस पी टू इक्वल टू हाफ रो वी टू स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगी, वी वन वाला फैक्टर यहाँ से माइनस हो गया। दिस इज़ नोन एज वेंचुरी रिलेशन, यूज ऑफ वेंचुरी रिलेशन। हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे होते हैं, जब हमारे पास सैलाब वगैरह आते हैं तो वहाँ पर जो वाटर फ्लो होता है वहाँ पर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हमने वी वन को क्या किया हुआ है, निगलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वेंचुरी रिलेशन इज़ यूज इन वेंचुरी मीटर, अ डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो। ठीक है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और छोटे पैमाने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपकी इंपॉर्टेंट स्लाइड असाइनमेंट की, तो ये आप देख लें। एग्जाम्पल्स 1-2 हमने 6.12 कर ली थी, आज आपकी एग्जाम्पल नंबर 6.3 है और प्रॉब्लम नंबर 6.1 और 2 है। ठीक है, अब हम आपके सवाल की तरफ आते हैं।